वी आर गोइंग फॉर अ वर्चुअल टूर, ठीक है। हम एक शॉर्ट स्टोरी देखेंगे और एक वर्चुअल टूर पे जाएंगे। वर्चुअल टूर मीन्स यू हैव टू सिटिंग हियर एंड विजिट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ भोपाल। ओके, देयर आर द टू वीडियोस। वन वीडियो इज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट जॉब एंड अनदर वन इज अ वर्चुअल टूर वेयर यू हैव टू विजिट 10 प्लेसेस ऑफ भोपाल। ओके, अंडरस्टूड? जाने जाने वाला और आज भी अपनी नवाबी विरासत और संस्कृति को सहेज रखने वाला शहर और कोई नहीं भोपाल ही है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं ऐसी ही कुछ जगहों से जो इस नवाबी इतिहास का जीता जागता सबूत है। ताजुल मस्जिद, जैसे कि इसके नाम का मतलब है मस्जिदों का राजा, ऐसे ही अपने नाम को साबित करती हुई यह भारत की सबसे बड़ी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। मोतिया तालाब के किनारे बनी इस मस्जिद के निर्माण का श्रेय नवाब शाहजहां बेगम को दिया जाता है, जिन्होंने इसका पूरा आर्किटेक्चर लाल पत्थर से बनवाया है और उसके ऊपर मार्बल से गुम्बद नुमा आकार दिलवाया गया है। नूरुसबा पैलेस, ये पैलेस नवाब सुल्तान जहां बेगम का बनवाया हुआ एक नायाब पैलेस है, जो कि कोहे फिजा पुराने भोपाल में है, जिसको अब एक हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया है। आप यहाँ पर कुछ दिन बिताकर काफी बेहतरीन राजसी ठाट का मजा ले सकते हैं। ट्राइबल म्यूजियम, ये इस शहर का एक ऐसा म्यूजियम है जो हमारे राज्य की अलग अलग जनजातियों के रहन सहन के बारे में बताता है। गोंड, कोरकू, भील, भारिया, कोल, बैगा और सहरिया जैसी जातियों के हर पहलू, उनके घरों का आकार, उनकी पेंटिंग्स, सबके बारे में दर्शाता है। रेवती कामत के द्वारा डिजाइन किए गए इस म्यूजियम का उद्घाटन 2013 में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने किया था। स्टेट म्यूजियम, साल 1909 में बनाए गए इस म्यूजियम में 17 अलग अलग गैलरीज बनी हुई है, जिसमे काफी सारे ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि पुरानी पेंटिंग्स, पुराने सिक्के, पुराने हथियार, पोस्टल स्टैम्प्स और भी बहुत कुछ। इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति के लिए ये म्यूजियम उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने का बूता रखता है। मानव संग्रहालय, जैसे कि इसके नाम से ही समझ आता है, ऐसा म्यूजियम जो मानव जाति की बात बताता है। यहाँ पर इंसानी जीवन और उसकी संस्कृति का पूरा सफर देखने को मिलता है। लगभग 200 एकड़ में फैले इस खूबसूरत म्यूजियम में आपको पुराने समय में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन, कलाकृतियाँ, झोपड़ियाँ सभी कुछ देखने को मिलेंगे। शौर्य स्मारक, साल 2016 में प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किए जाने वाला ये 62 फीट ऊंचा शौर्य स्तंभ हमारे देश के सैनिकों के बलिदान को समर्पित करते हुए बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें एक अंडरग्राउंड म्यूजियम भी बनवाया गया है, जहां पर एक व्यक्ति सियाचिन ग्लेशियर जैसी कड़कती ठंड को महसूस कर सकता है। साथ ही साथ नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और हमारे ऐतिहासिक नायकों जैसे कि महाराणा प्रताप सिंह, टीपू सुल्तान के बारे में भी जान सकते हैं। बड़ा तालाब, भोपाल शहर की बात हो और झीलों या तालाबों का जिक्र ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तालाब शहर की एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों का आना जाना बना ही रहता है, फिर चाहे वो सनसेट देखने के लिए हो या बोटिंग करने के लिए या फिर यहाँ पर मिलने वाले ढेरों स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए। तालाब के एक छोर पर आपको एक घाट, जिसको हम शीतलदास की बगिया के नाम से भी जानते हैं, देखने को मिलेगा, जो कि तालाब के किनारे आराम से शांत माहौल को महसूस करने की और बैठने की एक सबसे प्यारी जगह है। बिरला मंदिर, अरेरा हिल्स के ऊपर बना ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर साल 1960 में बिरला परिवार के द्वारा बनवाया गया था। मंदिर होने के साथ साथ परिसर में मूर्तियों का एक बड़ा सा संग्रहालय भी है। सैर सपाटा, लगभग 24.5 एकड़ में फैला हुआ ये एक टूरिज्म के साथ मनोरंजन का परिसर भी है, जो कि काफी हरियाली के बीचों बीच बना है, जहां आप मौज मस्ती के साथ साथ प्रकृति का भी अच्छा मजा ले सकते हैं। यहां पर लोगों के आकर्षण के लिए म्यूजिकल फाउंटेन के साथ साथ एक ट्रेन है जो पूरे पार्क का चक्कर लगाती है। दोस्तों और परिवार के साथ घूमने की एक काफी अच्छी जगहों में से एक है। भारत भवन,
भारत भवन भोपाल शहर की एक ऐसी जगह है जहां सारे आर्ट और कल्चर से जुड़ी प्रस्तुतियां होती हैं। यह एक आर्ट गैलरी होने के साथ एक एम्फी थिएटर भी है। यहां आप कविता, नृत्य, संगीत, नाटक, गजल आदि जैसे कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सकते हैं। वन विहार 4.45 किलोमीटर में फैला हुआ ये एक नेशनल पार्क है जो कि बड़े तालाब के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर कई अलग अलग तरह के जानवर हैं और उनकी खास बात ये है कि सभी जानवरों को यहाँ पर किसी चिड़ियाघर या फिर उनकी जान का बचाव करके रखा गया है। अलग अलग प्रजाति की चिड़ियाँ और जानवर जैसे मगरमच्छ, सांप, भालू, हिरण, बंदर आदि आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। शाहपुरा लेक भोपाल शहर के बीचों बीच बनाई आर्टिफिशियल लेक काफी लोकप्रिय जगहों में से एक है जहां आप हमेशा लोगों को टहलते, खेलते, गाते बजाते पाएंगे। सांची स्तूप भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर बसा सांची स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है। इन स्तूपों को सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में बनवाया था। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है जो कि भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। भीमबेटका ये भी यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक समय से मौजूद हैं और भोपाल से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन डिस्ट्रिक्ट में बनी है। यहाँ लगभग 10,000 साल पुरानी 750 से ज्यादा रॉक शेल्टर्स हैं जो यहाँ करीब 7 पहाड़ी इलाकों में फैले हुए हैं। भोजपुर मंदिर इस मंदिर का निर्माण राजा भोज ने 11वीं सदी में करवाया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण कार्य कभी पूरा नहीं हो पाया लेकिन तब भी यहाँ भारत का सबसे ऊंचा 2.3 मीटर यानी कि 2.3 मीटर का शिवलिंग मौजूद है। पीपल्स मॉल पीपल्स मॉल एक ऐसी जगह है जहां आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आईफिल टावर, ताजमहल, रेड फोर्ट एक ही दिन एक ही जगह पे देख सकते हैं और साथ ही साथ आप यहां पर वाटर पार्क का भी मजा ले सकते हैं। मनोभान टेकरी यहां पहाड़ के ऊपर से पूरे शहर का काफी खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। इस पहाड़ी पर आने के लिए सड़क या रोपवे दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहाड़ी के ऊपर एक जैन मंदिर का भी निर्माण किया गया है। केरवा डैम भोपाल के जंगल इलाके में बना ये केरवा डैम भोपालियों का पसंदीदा पिकनिक स्पॉट है और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रैकिंग, जिप लाइनिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज भी करी जाती हैं। कलियासोत डैम कलियासोत या केडी नाम से पहचाने जाने वाला ये डैम भोपाल के नौजवानों में काफी ज्यादा फेमस है। ये डैम अपने बेहतरीन नजारों के लिए काफी मशहूर भी है। करुणा धाम मंदिर नेहरू नगर स्थित एक और काफी मशहूर मंदिर जिसको हम करुणा धाम मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ गणेश जी और हनुमान जी का एक मंदिर है और साथ ही साथ परिसर में एक पार्क का निर्माण भी कराया गया है। हालांकि ये लिस्ट तो यहीं खत्म होती है लेकिन भोपाल की जगह नहीं।